लेट्स डू सम प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन सॉलिड स्टेट। तो पांच क्वेश्चन अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड यू कैन ट्राई द प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ आल्सो। तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी एटम्स इन विच ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो ए कहाँ पे है अपने पास? कॉर्नर्स के ऊपर है एंड बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर। बी कहां पे चला गया? फेस सेंटर पे। वन ऑफ द ए एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर। तो कॉर्नर्स अपने पास एट होते थे जिसमें से एक हम लोगों ने हटा दिया। अपने पास कितना बचा? अपने पास एटम बचे अभी सेवन। ओके, फेस सेंटर टोटल अपने पास होता था सिक्स। ये अपने पास सिक्स अवेलेबल है। ऑलराइट, फेस सेंटर से हम लोगों ने कोई भी एटम नहीं हटाया। अब चलेंगे हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर में। तो कॉर्नर पे जो एटम होते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन उनका होता है 1/8 और जो फेस पे होते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन उनका होता है 1/2। तो ये हो गया टोटल 3 एटम फेस सेंटर से और यहाँ पे 7/8 हो गया ए का। अब हमें फॉर्मूला जो चाहिए उसमें होल नंबर चाहिए होंगे, फ्रैक्शंस को हटाना है। तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ए 7/8 एंड बी 3। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो 7/8 इंटू 8 ये हो गया ए 7 और बी 3 इंटू 8 हो गया 24। तो ए 7 एंड बी 24 ये अपना आंसर हो जाएगा। सो दिस इज ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड MPXQ हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ एक्स, इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर शोन बिलो, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें ऑब्टेन करना है। किस वे में करेंगे वो? लेट अस सी। सबसे पहले m स्क्वायर के फॉर्म में शो हो रहा है और x शो हो रहा है सर्कल के फॉर्म में। सो वी कैन टेक m, पहले m को ही देख लेते हैं। m कहाँ कहाँ पे है? तो m बॉडी के सेंटर पे है और एज सेंटर पे है। एज सेंटर पे कितने हैं? m रहा अपना एज सेंटर पे, ये एज सेंटर है और m बॉडी सेंटर पे है। तो टोटल एज सेंटर अपने पास जो है वो है 4 जिसको m ऑक्यूपाई कर रहा है और बॉडी सेंटर अपने पास 1 रहा। कॉन्ट्रीब्यूशन हर एज सेंटर का होता है 1/4। सो 4 टाइम्स ऑफ 1/4 और बॉडी सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1। सो 1 × 1 तो 4 × 1/4 1 प्लस 1 × 1 इज 1। तो टोटल ये हो गया 2। m के नंबर्स हो गए 2। अब चलेंगे x पे। x है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट? तो x दिख रहा है फेस के सेंटर पे और कॉर्नर्स के ऊपर। x इज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। कॉर्नर्स कितने हैं? विल सी। तो सारे कॉर्नर्स क्यूब के ऑक्यूपाइड हैं। कॉर्नर्स हो गए 8, फेस सेंटर कितना हो गया? 6। सारे प्लेसेस पे ऑक्यूपाई कर रहा है वो, तो फेस सेंटर हो गया 6। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर इज 1/8 एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर इज 1/2। सो 8 × 1/8 ये हो गया 1 एंड 6 × 1/2 ये हो गया 3। तो ये हो गया टोटल अपने पास 4। तो यानी m के नंबर्स हो गए 2, x के नंबर हो गए 4, m 2 x 4। ये सिंप्लीफाई हो सकता है फर्दर। सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो होता है हम लोग हमेशा उसको लेते हैं। तो उसको डिवाइड कर देंगे बाई 2 तो फॉर्मूला मिल जाएगा m x 2 और ये अपना ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट का भी ऑप्शन बी था, सेकंड का भी ऑप्शन बी है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में है, अ मेटल ऑक्साइड हैज एम्पिरिकल फॉर्मूला M0.9601। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और ये एंट्रेंस में भी ऐसे सवाल आए हुए हैं। तो ये कब होता है? जब हमारे पास मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो रहा होता है। ओके, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट M0.96 एंड O1। तो एक सिंपलेस्ट अप्रोच है, हमेशा फॉलो करेंगे उसी को हम लोग। अगर हम लोगों ने ऑक्साइड आयंस मान लिए 100, इसको 100 अज्यूम कर लिया, तो एक ऑक्सीजन पे एक ऑक्साइड पे 2 माइनस चार्ज है। 100 पे कितना चार्ज होगा? -200 चार्ज होगा। और
ऑक्सीजन जब 1 था तो एम 0.96 था, तो ऑक्सीजन अगर हम लोगों ने 100 लिया तो एम कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा 96। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयन सेम होना हो बट चार्जेस इक्वल होने चाहिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में टोटल चार्ज हैज टू बी जीरो। तो यानी 96 m के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा प्लस 200 का। तो प्लस 200 चार्ज 96 m पे और माइनस 200 चार्ज 100 O पे। ये अंडरस्टैंडिंग एक बार बन गई। फिर हम लोग m को डिवाइड करेंगे दो टाइप्स में, एक हो गया m2+ और एक हो जाएगा m3+। टोटल m कितना अपने पास, 96। उसमें से m2+ मान लेते हैं हम लोग x, बाकी जो बचा वो m3+ हो जाएगा। तो m3+ हो गया 96 माइनस x। ये हो गए इनके नंबर्स, इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो चार्ज m2+ पे कितना, m2+ का नंबर x और m2+ पे चार्ज है 2, यानी कि 2x हो जाएगा। m3+ का नंबर हो गया 96 माइनस x और इस पे चार्ज कितना 3, तो ये इसका हो जाएगा। अब इन दोनों के चार्जेस को जब ऐड करेंगे, चार्ज ऑन m2+ अलॉन्ग विद चार्ज ऑन m3+, ये दोनों ऐड करके 200 आना चाहिए। टोटल चार्ज कितना है, 200 है। सो 2x+3 टाइम्स ऑफ 96 माइनस x, ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व करके 200 यहाँ पर आना चाहिए। तो ये कैसे 200 आ रहा है, क्योंकि टोटल चार्ज जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 200। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सो 2x+96 × 3, 96 × 3 कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 288। 288 − 3x इज इक्वल टू 200। सिंप्लीफाई करने पे x मिल रहा है 88, यानी कि m2+ का नंबर हो गया 88 और m3+ का नंबर हो गया अपने पास 8, रिमेनिंग जो बचा 96 − 88। क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ m2+। परसेंटेज ऑफ m2+ चाहिए, तो m2+ टोटल अपने पास 88 है और m का टोटल नंबर कितना था, 96। 88 × 9 upon 96 × 100, दैट इज 8800 upon 96। तो ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा वहां पे। 8800 को डिवाइड करेंगे 96 से तो विल गेट समथिंग अराउंड 91.6%, और ये अपने पास ऑप्शन बी है। सो 91.67%। तो कोई भी फॉर्मूला हो, 0.96 है, 0.97 होता, 98 होता, अप्रोच वुड रिमेन सेम और बिल्कुल इसी वे में सॉल्व करना है। हमेशा ऑक्सीजन को 100 मान लेंगे और जो भी फ्रैक्शन एम का होगा उतने नंबर उसके ले लेंगे, और चार्जेस +200 − 200, फाइनल चार्ज बैलेंस करके ही ऐसे m2+ का नंबर और m3+ का नंबर मिल जाएगा। फिर या तो फ्रैक्शन निकालना हो या परसेंटेज निकालना हो, दोनों हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द यूनिट सेल ऑफ अ मिनरल हैज अ क्यूबिक क्लोज पैक अरे ऑफ ऑक्सीजन एटम विद m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय एल्युमिनियम आयंस with m fraction of octahedral holes occupied by aluminum ions and n fraction of tetrahedral holes occupied by magnesium ions. तो यहाँ पे तीन चीजें अपने पास, एक तो ऑक्सीजन है O2 माइनस के फॉर्म में रहेगा, दूसरा अपने पास Mg2+ होगा मैग्नीशियम आयंस, और तीसरा एल्यूमिनियम आयंस Al3+ होगा। O2 माइनस ने क्या किया, इसने बनाया है CCP अरे। CCP में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4, यानी टोटल चार्ज कितना हो गया अपने पास, नेगेटिव चार्ज टोटल हो गया -8। Mg2+ पे चार्ज +2 है और Al3+ पे चार्ज +3 है। तब ये सोचना पड़ेगा कि +2 और +3 का कौन सा कॉम्बिनेशन ले हम लोग कि चार्ज टोटल +8 आ जाए। कॉम्बिनेशन अगर सोचे तो एक ही मिलेगा कि Mg2+ अपने पास होना चाहिए 1 और Al3+ होना चाहिए 2, तब इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास +8 चार्ज आ रहा है, दूसरे किसी कॉम्बिनेशन से +8 चार्ज नहीं आ पाएगा। अब देखते हैं कि Mg2+ है कहाँ पे। Mg2+ अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स में था, टेट्राहेड्रल होल्स में है, और Al3+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी ऑक्टाहेड्रल होल्स में है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स CCP के लिए टोटल कितने होंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टोटल कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल 4। सो अगर हम लोगों ने लिया दैट x फ्रैक्शन ऑफ 8 शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि Mg2+ अपने पास सिर्फ एक बचा, तो इस 8 में से x फ्रैक्शन ऑक्यूपाई करेगा तब एक पार्टिकल मिलेगा, और 4 का y फ्रैक्शन अगर लें तो हमारे पास दो पार्टिकल मिलेंगे। तो सिंपल सा इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे, x विल बी इक्वल टू 1/8 एंड y विल बी इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। यानी फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाई Mg
टू प्लस वन बाई एट होना चाहिए, एंड फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाई एल थ्री प्लस ये होना चाहिए 1/2। तो ये ऑप्शन अपने पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसमें जब तक हम लोग ये कॉम्बिनेशन नहीं सोचेंगे कि एम जी टू प्लस और एल थ्री प्लस कितने होने चाहिए, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो उस एजम्पशन के साथ जाना है, एंड देन वी हैव टू थिंक कि अगर एम जी टू प्लस का एक पार्टिकल चाहिए तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड करने पड़े, एक ऑक्यूपाई करना होगा, टोटल एट थे, फ्रैक्शन कितना हो गया 1/8। एल्यूमिनियम हमें दो पार्टिकल चाहिए, कहाँ ऑक्यूपाई हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल होल्स में, ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने हैं टोटल चार, तो कितना फ्रैक्शन उसका ऑक्यूपाई करेगा कि दो होगा 1/2, हाफ फ्रैक्शन ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट वन इज इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई फॉर्म्स सीसीपी, वाई ने फॉर्म कर लिया सीसीपी स्ट्रक्चर एंड एक्स ऑक्यूपाई टू थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सीसीपी का मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम वाई के चार हो गए, एक्स ने ऑक्यूपाई किया है टू थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल उस स्ट्रक्चर में होंगे उसका ट्वाइस। तो सीसीपी स्ट्रक्चर है पार्टिकल फोर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी एट, यानी टू थर्ड ऑफ एट, टू थर्ड ऑफ एट यानी कि ये हो गया 16/3। एक्स का नंबर मिल गया, वाई के नंबर मिल गए, इसको स्टेट करेंगे एक्स 16/3 एंड वाई 4। अब इसको सिंपल होल नंबर में चेंज करना है, 16/3 इंटू 3 और यहां भी 3, सो 3 एंड 3 इज गॉन, ये हो गया एक्स 16 वाई 12। फर्दर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, डिवाइड कर देंगे बाई 4, तो हो गया एक्स 4 एंड वाई 3, एक्स 4 वाई 3 विल बी फॉर्म, जो कि अपना आंसर ऑप्शन बी था, एक्स 4 वाई 3 इज अ आंसर। ओके, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे।